So this is series 3 in continuation to the other series of art and culture. और इसके बाद मैं कौन से सब्जेक्ट की सीरीज शुरू करूँ, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो पहला टॉपिक फॉर टुडे इज़ जापी या फिर झापी. तो ये न्यूज़ में है करंटली, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स 2021. अब झापी जो है एक हैट की फॉर्म है, जो कि मैंने इसका डायग्राम जो है पिक्चर है ऐसा डाला है. तो ये कॉनिकल लाइक राउंड शेप है इसकी, कॉनिकल हैट है, जो कि आपको दिख रहा है कि ये बैम्बू से बना हुआ है एंड इट इज़ कवर्ड विद ड्राइड टोकाऊ. तो इसका एक टोकाऊ जो है ये भी एक नाम है. अब ये क्या है, ये भी पाम लीव्स है बेसिकली, जो कि रेन फॉरेस्ट असम में मिलता है. तो ये भी एक ट्री की ही फॉर्म में है. तो हम देख रहे हैं कि जो जापी है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट से ही बना हुआ है हैट. फिर आता है वाइल इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज इन द ऑफिशियल फंक्शंस टू फैसिलिटेट गेस्ट्स द लैंडस्केप ऑफ रूरल असम फीचर्स मोर यूटिलिटेरियन वर्जन. मतलब कि ये असम में आपको देखने को मिलेगा और असम में ही ये बनता है. जो रूरल एरियाज़ है वो इसके फार्मर्स जो हैं वो सब बनाते हैं. इसमें जैसे कि अगर कोई फंक्शन है या फिर सेरेमनी है तो वहाँ पे ये पहनी जाती है, या फिर फार्मर्स जो हैं वो भी पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हार्श वेदर. लाइक हर जगह पहन सकते हैं, सन में या वेदर में, लाइक सन हो या रेन हो, किसी में भी पहन सकते हैं ये, और किसी भी लाइक द्वारा पहना जा सकता है ये, लाइक वाइल वर्किंग इन द फील्ड्स ऑल्सो. सो आपको इसमें याद रखना है कि ये असम का है, नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है. टकाऊ जो है वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, दैट इज़ पाम ट्री, जो कि असम में मिलता है. ओके, नेक्स्ट कम्स द डांस फॉर्म, दैट इज़ कलाइरा पायाटू. तो ये एक डांस फॉर्म है, मार्शल आर्ट डांस फॉर्म, जो कि ओरिजिनेट हुआ है केरला में. एंड ये ओरिजिनेट हुआ था लाइक ड्यूरिंग द 3rd century BC टू द 2nd century AD. और द वर्ड कलारी फर्स्ट अपीयर्स इन दी संगम लिटरेचर. और ये जो कलारी वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है बैटल फील्ड. ये इसका कुछ पिक्चर है, लाइक मार्शल आर्ट की फॉर्म में है. एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है. सो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या ये यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूडेड है कि नहीं है, और क्या वो इनटैंजिबल फॉर्म में इंक्लूडेड है या फिर टैंजिबल फॉर्म में इंक्लूडेड है. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी लिस्ट में आता है ये यूनेस्को की. ओके, नेक्स्ट कम्स दी ऑस्ट्रेलियाज ओल्डेस्ट एब ओरिजिनल रॉक आर्ट. अब ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि ये रॉक आर्ट को बिलोंग करता है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया. तो इसमें क्या हुआ था हम देखते हैं. अब इसमें जो फिगर्स आप देखोगे ये कैंगरू की फिगर्स हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करता है. और कैंगरू फिगर जो है, पेंटिंग जो है, इट इज़ क्रिएटेड ओवर 17,000 years ago. तो मतलब इतना पुराना है ये. और एबोरिजिनल आर्टिस्ट जो है, इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड लाइक विद द लिटिल हेल्प फ्रॉम सम एंशियंट वॉस्प, जो कि इंटैक्ट रॉक आर्ट है अभी तक, जो कि ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करता है. अब ये इसके थोड़े फिगर्स लाइक फीचर्स देख लेते हैं, इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक ये 2 meter लॉन्ग है, 6 feet आर्ट वर्क है, एक सीलिंग पे किया गया है ऑफ अ रॉक शेल्टर. ये आपको कहाँ मिलेगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की रीजन में, दैट इज़ किम्बरले रीजन. और ये पेंट हुआ था नेचुरलिस्टिक स्टाइल में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को फीचर करता है. तो वन ऑफ देम इज कैंगरू. ओके, नेक्स्ट कम्स द अटुकल पोंगल फेस्टिवल या फिर फेस्ट. सो अटुकल पोंगला या फिर अटुकल पोंगल फेस्टिवल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ वुमेन. लाइक पोंगल फेस्टिवल जो है वो भी फेमस है काफ़ी. तो ये एक ऑस्पिशियस फेस्टिवल माना गया है बाय ऑल द वुमेन रिचुअल्स एज अ पार्ट ऑफ द एनुअल फेस्टिवल. तो ये सेलिब्रेट किया जाता है अतुकल भाग्यवती टेम्पल में. और इसको जो इसका जो दूसरा नाम है अतुकल भाग्यवती टेम्पल का, वो है वुमेन्स साबरमाला टेम्पल. तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सी स्टेट में है, अटुकल पोंगला फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, और क्या ये यूनेस्को में आता है या नहीं, इज़ इट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट, येस और नो, काइंडली कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. सो पोंगल फेस्टिवल कॉमेमोरेट्स द हॉस्पिटैलिटी अकॉर्डेड बाय द वुमेन इन द लोकेलिटी. इसका बेसिकली एसेंस बता रखा है कि इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है. तो जो एक फेमस एपिक लिखी गई है संगम लिटरेचर के द्वारा, संगम एज में, दैट इज़ सीलादिपतिकरम. सो तमिल लिटरेचर है ये. तो इसमें एक स्टोरी बता रखी है, उसी के ऊपर है ये लिटरेचर फॉर्म.
लाइक इसमें जो हीरोइन है तामिल एपिक की, शी वॉज ऑन हर वे लाइक केरला में ये जा रही थी आफ्टर डिस्ट्रॉइंग दी मदुराई सिटी टू एवेंज द इनजस्टिस टू हर हस्बैंड. तो एक स्टोरी फॉर्मेट में दे रखा है, लाइक एक वॉर बता रखा है जो एक वाइफ और हस्बैंड के लिए वो लड़ती है अपने, तो इनजस्टिस जो होता है. सो अटुकल टेम्पल जो है, दैट इज़ दी भागवती टेम्पल या फिर वुमेन्स साबरमाला, इज़ ऑल्सो नोन एज, जो मैंने बताया, वुमेन साबरमाला. सो एज दी ओनली वुमेन परफॉर्म रिचुअल्स, क्योंकि इसमें अतुकल टेम्पल ऐसा टेम्पल है जिसमें सिर्फ वुमेन ही जाती हैं और वुमेन ही रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करती है. सो इट इज़ जस्ट एज प्रीडोमिनेंटली, जैसे कि लॉर्ड अयप्पा जो है वहाँ पर सिर्फ मेन जाते हैं, वुमेन लाइक अलाउड नहीं होती, तो ऐसे ही वुमेन साबरमाला में सिर्फ वुमेन ही अलाउड है. ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें हम देख रहे हैं पूरी पूजा वगैरह, पोंगल लाइक फेस्टिवल ये सब चल रहा है और इसमें करा गया, लाइक इसमें आप देखोगे फोटोग्राफ में भी सारी वुमेन ही दिखेंगी आपको. तो ये पूरा एक वुमेन ओरिएंटेड रिचुअल्स है या फिर फेस्टिवल हम कह सकते हैं पोंगला. और कौन सा टेम्पल है वो आपको याद रखना है, दैट इज़ वुमेन्स साबरमाला या फिर हम कह सकते हैं अतुकल भाग्यवती टेम्पल. ओके, सो अब कुछ पर्सनालिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि न्यूज़ में चलती है और प्रिलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है. सो एक या दो क्वेश्चन आ जाता है अभी, लाइक आया भी है, तो इसलिए जो भी पर्सनालिटीज़ न्यूज़पेपर में आई इनकाउंटर, सो मैं इसमें स्लाइड्स में अपनी डालूंगी. सो फर्स्ट इज़ लाइक तोमर किंग अनंगपाल टू. सो गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली फॉर्म्ड अ कमिटी टू पॉपुलराइज द लेगेसी ऑफ द 11th सेंचुरी तोमर किंग. तो इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि उनको पॉपुलराइज करना है लेगेसी जो कि ये किंग के द्वारा थी. अब देख लेते हैं ये है कौन अनंगपाल टू, कि इतना न्यूज़ में क्यों है, चर्चा में क्यों है. पहली बात तो ये तोमर डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, जो कि तोमर डायनेस्टी कहाँ थी, दैट इज़ प्रेजेंट डे दिल्ली एंड हरियाणा के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे तोमर डायनेस्टी थी पहले, लाइक ड्यूरिंग द 8th to 12th सेंचुरी. तो वहाँ पे ये तोमर डायनेस्टी के जो किंग है, दैट इज़ अनंगपाल टू, इट वॉज रूल्ड बाय हिम. सो ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज ग्रैंड सन पृथ्वीराज चौहान, जो कि बहुत फेमस भी है और इस पर तो काफ़ी सारे वेब सीरीज़ एंड सीरियल्स भी बन चुके हैं. सो आई मस्ट यू नो, मतलब कि आपको पता रहना चाहिए कि ये पृथ्वीराज चौहान कौन है, यू मस्ट बी अवेयर बाय दिस फैक्ट. सो अनंगपाल तोमर टू वॉज सक्सीडेड बाई हिज ग्रैंड सन पृथ्वीराज चौहान, हु वॉज डिफीटेड बाई दी गुरिद फोर्सेज इन दी बैटल ऑफ तरेन. तो इस पर प्रिलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि बैटल ऑफ तरेन जो है, इट वॉज फॉट बिटवीन हुम. तो ये पता होना चाहिए कि किसके बीच में ये बैटल हुई थी और कौन से ईयर में हुई थी. सो दैट इज़ 1192, ये आपको ईयर याद रखना है प्रिलिम्स के लिए, क्योंकि मिडिवल इंडिया का पार्ट है ये, तो ये याद रखना ही है. और सिंस इट इज़ लाइक कमिंग इन द न्यूज़ ऑल्सो, सो इसलिए याद पक्का ही करना है. सो तोमर डायनेस्टी शिफ्टेड इट्स कैपिटल, जो कि ड्यूरिंग दी रेन ऑफ अनंगपाल टू ऑल्सो. तो इसमें ज़्यादा फीचर्स आप देखने को मिलेगा तोमर डायनेस्टी में, दैट इज़ दिल्ली को कैपिटल इनकी शिफ्ट करी थी. ही गेव दिल्ली इट्स प्रेजेंट नेम ऑल्सो एंड रीपॉपुलेटेड इट. सो ही बिल्ट दी लाल कोट फोर्ट एंड अनंगपाल बॉयली. तो ये सब इसमें हुआ था, दैट इज़ अनंगपाल जब किंग थे वहाँ के, तो इसमें ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली तोमर डायनेस्टी. नेक्स्ट इज़ अया वैकुंडा स्वामीकल. तो ये भी न्यूज़ में है. सो ये न्यूज़ में क्यों है, देख लेते हैं कौन है ये. ही वॉज अ ग्रेट थिंकर सोशल रिफॉर्मर ऑफ दी 19th सेंचुरी. ही लिव्ड इन दी प्रिंसली किंगडम ऑफ ट्रावनकोर एंड ही फाउंडेड दी समाथवा समाजम, और ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है इंडिया में. ही वॉज दी फर्स्ट टू इंस्टॉल अ मिरर फॉर वर्शिपिंग इन साउथ इंडिया, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट. ही वॉज दी एक्सपोनेंट ऑफ द न्यू पाथ ऑफ स्पिरिचुअल थाट्स. ही सेड वन कास्ट वन रिलीजन वन क्लैन वन वर्ल्ड वन गॉड. सो ये इन्होंने लाइन बोली गई है. सो ये प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं प्रिलिम्स में, कि ऑप्शंस दे दिया जाएगी आइडेंटिफाई करने को. एंड ही ऑल्सो लेड एन एजिटेशन नोन एज दी मेल मंडू समराम. ओके, सो नेक्स्ट कम्स दी महात्मा अयंकली. तो ये भी न्यूज़ में है, ये इनकी मैंने पिक्चर भी डाली है सो दैट आपको याद रहे. सो ही वॉज बॉर्न ऑन August 28 इन अ स्मॉल विलेज इन दी प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रावनकोर, दैट इज़ इन दी मॉडर्न डे नेशन ऑफ केरला. तो ये बेसिकली अगेंस्ट थे कास्ट मूवमेंट्स के. सो ही वॉज द लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट्स एंड फॉट फॉर द बेसिक राइट्स, जो कि लाइक जो भी दलित मूवमेंट्स थे या फिर पब्लिक स्पेसेस में एंट्री लेना, तो वो सब इनके इन्होंने लड़ाई करी उसके अगेंस्ट. सो महात्मा गांधी कॉल्ड अयंकली एज द पुलया किंग, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट. एंड इंदिरा गांधी ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हिम एज द इंडियाज ग्रेटेस्ट सन. सो महात्मा अयंकली, सो ही वॉज अ वेरी ग्रेट लीडर.
अब कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं दलित डेवलपमेंट्स में क्या क्या थे. सो अयंकली रोड एंड ऑक्स कार्ट चैलेंजिंग द बैन ऑन अनटचेबल्स. सो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट भी ही फॉट. ही ऑल्सो लेड अ रैली टू एजर्ट द राइट्स ऑफ द अनटचेबल्स. दी वॉक जो था, जो इन्होंने वॉक करी थी अनटचेबल्स के द्वारा उनके लिए बेसिकली, सो उसको बोला जाता है वॉक फॉर फ्रीडम. सो ये ऐसे भी आ सकता है प्रिलिम्स में कि वॉक फॉर फ्रीडम किसने किया या फिर किस चीज़ के लिए है. सो इट इज़ फॉर द अनटचेबिलिटी. एंड जो रॉयट्स हुए थे वहाँ पे, चलियर रॉयट्स, तो ये उनके पार्ट थे. अयंकली एफर्ट्स इन्फ्लुएंस मेनी चेंजेस, जो कि सोशल वेलबींग भी इन्होंने इम्प्रूव किया काफ़ी दलित्स का. अयंकली बिकेम अ स्टेटेड प्रोटेस्टर फॉर द पोलियर राइट्स. एंड जो भी डेक्री था, लाइक इट टर्न इन टू इशू टू कन्फेस द स्टूडेंट्स फ्रॉम द अनटचेबल नेटवर्क टू द गवर्नमेंट स्कूल्स. अब ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द श्री नारायण गुरु, जो कि केरला में ही एक सोशल रिफॉर्मर है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स. सो ये सब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस है टूवर्ड्स द दलित मूवमेंट्स एंड अनटचेबिलिटी. नेक्स्ट इज द ट्यूलिप गार्डन, जो कि न्यूज़ में है. सो ट्यूलिप गार्डन जिसकी फ़ोटो मैंने दे रखी है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन. या फिर लाइक ये जो ट्यूलिप गार्डन है, इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में. सो इट इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया, लाइक इन एशिया इट इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन एंड विच इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया अबाउट लाइक 30 hectares. सो ये कहाँ पर है, दैट इज़ द जबरवान रेंज. तो ये इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए. सो जो फैक्ट्स है वही मैंने इसमें दे रखा है प्रिलिम्स के लिए, सो दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, नहीं तो याद नहीं रहेगा. ओके, नेक्स्ट कम्स एंड दैट इज़ द चार मीनार. तो एक आर्किटेक्चर भी डाल दिया मैंने इस PPT में. सो चार मीनार, सो नो रिकॉर्ड्स ऑफ अ चिल्ला या फिर स्मॉल श्राइन एडजेसेंट टू चार मीनार सेज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. मतलब कि पहले बोला गया था कि चार मीनार के बाहर एक छोटा सा श्राइन है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरी सर्वे करी, रिसर्च करी, तो उसने बोला, क्योंकि वहाँ पे एक RTI फाइल कर दी गई थी, तो इसने बोला कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है चिल्ला का. चिल्ला इज़ लाइक अ स्मॉल श्राइन. सो अब देख लेते हैं चार मीनार के बारे में, हिस्ट्री इसकी जान लेते हैं. सो इट इज़ बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन 1591 टू, एक्चुअली ये तब बिल्ड किया गया था टू एंड द प्लेग इन द सिटी. सो ये कहाँ पर है चार मीनार, दैट इज़ इन हैदराबाद तेलंगाना. एंड ईच मीनार स्टैंड ऑन लोटस लीफ बेस. तो जैसे साउथ इंडिया में जो भी हमने देखा है आर्किटेक्चर काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स में होता है, उनका जो मतलब गेटवेज होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, गोपू राम्स बोलते हैं उनको, और उनके जो शिखर्स होते हैं या जो टेंपल आर्किटेक्चर है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, और उनकी जो बेसिक शेप होती है वो भी काफ़ी डिफरेंट होती है. सो इसमें भी जैसे चार मीनार की जो शेप है, तो उसका जो मीनार है, लाइक ये जो पूरा अपने स्टैंड है, मीनार्स हैं, उसका जो बेस है, सो इट हैज़ गॉट अ लोटस लीफ बेस. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्रिलिम्स के लिए. सो इट हैज़ ऑफिशली इनकॉर्पोरेटेड एज द एम्बलम ऑफ तेलंगाना. तो ये एक एम्बलम भी बोला गया है तेलंगाना के लिए, फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना. सो चार मीनार जो है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ मूसी रिवर. तो आपका काम ये है कमेंट्स में बताने का कि मूसी रिवर जो है वो किसकी, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है. इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड एज एन आर्कियोलॉजिकल एंड आर्किटेक्चुरल ट्रेजर ऑन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द मोन्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाई द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चार मीनार एंड दैट्स इट फॉर टुडे. सो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है बाकी जगह भी, लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सो यू कैन फॉलो मी, और नीचे लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं. डू सब्सक्राइब, एंड अगर आपको एक वीडियो पसंद आई, गिव्स अ थम्स अप, एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.